हाथों की इन लकीरों को बनाना हमें आता है, हाथों की इन लकीरों को बनाना हमें आता है, वे कोई और होंगे जो अपनी किस्मत पर रोते होंगे। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और गदा बैच के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 8, जिसके अंदर आप सीखेंगे शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन के बारे में। सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बोलता हूँ सिलेबस अपने साथ रखें। तो जनरल साइंस का जो सिलेबस है ना, उस कंप्लीट सिलेबस के अंदर हमने कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, और आज जिस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। सेकेंड जो हमारा चैप्टर था उसके अंदर हमने सुपर सेंसेस के बारे में पढ़े हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन एनिमल्स के बीच में रिलेशन है उसको हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ा है, और सीड्स के बारे में, चाहे वो उसके जर्मिनेशन और डिस्पर्सल हो, सारी चीज़ें हमने यहाँ चैप्टर नंबर 4 के अंदर सीड्स के बारे में पढ़ा था। फिफ्थ चैप्टर के अंदर टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो सेंसेस होते हैं उनके बारे में जाना था। चैप्टर नंबर 6 के अंदर वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और चैप्टर नंबर 7 के अंदर डिसीज, माइक्रोबियल डिसीज के बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, और लोग पहले ऐसा समझते थे कि जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो गोल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है ना, वो बिल्कुल भी गोल नहीं है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे, और कॉन्सेप्ट को जब आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स को आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। देखिए, यहाँ पे हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्ड में चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं रह जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शेप ऑफ अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले अगर कोई पूछता है आपसे कि जो अर्थ है ना, उसका शेप कैसा है, क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि शेप कैसा है हमारे अर्थ का, शेप ऑफ अर्थ कैसा है। देखिए, अगर हम इसके शेप्स के बारे में बात करें, तो बहुत सिंपल वे में आप इन चीज़ों को समझ सकते हो कि जो शेप है ना अर्थ का, वो बिल्कुल एक अंडे के जैसा है, गोल नहीं है, कम्प्लीटली गोल नहीं होता है अर्थ का। जो शेप होता है वो अंडे के जैसा है, राइट। और जो पृथ्वी है, वो जो सूरज है ना, उसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, राइट। और जो पृथ्वी है, अब जो अर्थ है ना, वो भी सराउंडिंग घूमती रहती है, गोल गोल राउंड घूमती रहती है। तो आप कह सकते हो कि ये एक स्फेरिकल होता है हमारा कम्प्लीटली जो अर्थ होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जो अर्थ है वो प्लैनेट के ऊपर सबसे थर्ड प्लैनेट है, आप कह सकते हो कि मरकरी, वीनस और मार्स के बाद, राइट। और मरकरी, वीनस एंड बिफोर द मार्स, राइट। और इट इज अ 150 किलोमीटर, अबाउट 93 मिलियन माइल्स, अबाउट 93 मिलियंस माइल्स, राइट। और ये करीब अप्रोक्स मैं बता सकता हूँ 150 मिलियन किलोमीटर, राइट, 150 मिलियन किलोमीटर सन से इसकी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जो इसको होती है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, AU के, सन से जो पृथ्वी की जो दूरी है ना, 93 मिलियन माइल्स है, इतना लगभग अप्रोक्स में आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो अर्थ है, सबसे ज़्यादा मैसिव आप कह सकते हो कि रॉकी, मतलब पथरीला जो पार्ट है इसके अंदर है, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर अर्थ के अंदर जो इसका क्रस्ट का पार्ट है, और चाहे हम प्लेनेट की बात करें, तो 1%, जस्ट 1% कह सकते हो कि जो लेयर है उसकी, इसके अंदर दो तरीके की क्रस्ट होती है। अब अर्थ में जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट ये दो तरीके की होती है। पहला होता है जो थिन होती है, थिन मतलब होता है पतला, डेंस, और ओसनिक मतलब ओसन मतलब पानी का जो इलाका है, महासागर जो होते हैं, समुद्र जो होते हैं, ओशंस, और क्रस्ट। दूसरा जो है, जहाँ पे थिकनेस होती है और लेस डेंसिटी होती है, जो डेंसिटी है वो डेंस कम होता है, लेस डेंस होता है। और इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो होता है। अब ये तो शेप के बारे में बात हो गई, तो आपको देखिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है, आपको गूगल करना है, और ताकि आप चीज़ों को जब खुद ये एक्सरसाइज करेंगे ना, तो दिमाग में पिक्चर फिट होगी। आपको गूगल करना है शेप ऑफ अर्थ, और इमेजेस में जाके देखना है
कि जो अर्थ का जो सेप है ना वो कैसा है, वहां पे कंप्लीट आपको एक डायग्राम दिखेगा। ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आपको गूगल करना है, क्या करना है, सेप ऑफ अर्थ, और उसके बारे में पढ़ना है। आपकी बुक्स के अंदर भी होगा, साइंस के अंदर, राइट। और अगर मैं मोशन की बात करूं तो क्या होता है, लीप ईयर में क्या होता है कि जो अर्थ होती है दो टाइप से मोशन होती है, एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है ना वो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है। अब मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है और अर्थ का जो एक्सिस है वो ये है, राइट, ये एक्सिस है अर्थ, राइट। तो ये अपने उस पर भी घूमेगी, राइट, अर्थ अपने उस पर भी घूमेगी, अपने एक्सिस पे भी घूमेगी, और इसके अलावा वो रोटेट भी करती रहती है। तो आप कह सकते हो कि पूरे एक साल के अंदर वो 365 1/4 डेज लग जाते हैं, मतलब 365 दिन लगते हैं एक कंप्लीट करने में। तो एक वन ईयर कंप्लीट हो जाते हैं। रिवॉल्व द सन, जो सन का जो, जैसे मान लीजिए सन है, अब हमारी पृथ्वी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ, 365 डेज लग जाते हैं वापस से अपनी पुरानी पोजिशन में आने में, 365 1/4। तो आपने देखा होगा कि हर चार साल में एक जो दिन हो जाता है हमारा 366 डेज का हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1/4 जो लगता है ना, 365 1/4, तो ये जो एक्स्ट्रा जो काउंट होता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर वो होती हैं। तो चार साल में जाकर के वो 366 डेज रिपीट होते हैं, जिसको हम कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं? लीप ईयर। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीप ईयर में जो दिन होते हैं हमारे 366 होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर होता है हमारा उसमें 365 डेज होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। लीप ईयर को काउंट करने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, जिसमें जिस भी ईयर में 4 का डिवाइड चला जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। जैसे 23 में डिवाइड नहीं जाएगा, 24 में डिवाइड चला जाएगा, यानी कि 4 का डिवाइड चला जाएगा। जिस भी ईयर में 4 का डिवाइड चला जाए, मतलब उस साल में जो डेज होंगे वो 366 डेज होंगे। तो चलिए, हमने मोशंस के बारे में जाना, कुछ चीज़ों के बारे में और भी हम समझते हैं कि यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एक्सिस होती है ना, जो इमेजिनरी एक्सिस होती है, जो हम लाइन जो होती है उसको हम कहते हैं, ये एक ऑर्बिट प्लेन होता है जहाँ पे एंगल बनता है 66 1/2 डिग्री एंगल बनता है उसके एक्सिस से। ये ऑर्बिट प्लेन जो होती है, इसके अलावा जो पोर्शन होता है, आपने देखा होगा दिन रात होते हैं 24 घंटे में वो रोटेट करती है। तो जो अर्थ होता है ना, लगभग 24 घंटे लेता है वो कंप्लीट एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। अपने भी अपने अपने अक्ष पे भी तो घूमती रहती है, तो 24 घंटे लेती है। जब 24 घंटे लेती है तो क्या होता है, सूरज जो चमकता है, तो हर जब जैसे अंधेरा होता है, दूर जैसे मान लीजिए कि अब सूरज यहाँ पे सूरज चमक रहा है, अब अर्थ को अपने अक्ष पे घूमने के लिए क्या, अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हैं तो आपको अभी सूरज दिखाई दे रहा है। जब ये अर्थ घूमते घूमते जब आप इस पार्ट पे आ जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि अब इसकी परछाई पड़ेगी ना आपके ऊपर। इतना एरिया में तो आपको प्रकाश मिलेगा लेकिन इधर तो अंधेरा रहेगा। जब ये घूमते घूमते इस तरफ जाएंगे तो इधर क्या होंगे, ये पूरा इधर का जो इलाका होगा वो क्या होगा, दिन का होगा, और इधर के जो इलाके होंगे ये डे होंगे, और इधर के क्या होंगे, नाइट होंगे। तो ये होता है कम्प्लीटली डे और नाइट, इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। और 366 जो डेज होते हैं उनको हम लीप ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना अर्थ के सेप के बारे में, उसकी कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, दिन और रात कब होते हैं, ये लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, और कितना डिग्री का एंगल होता है 66 1/2, लीप ईयर कब होता है, और एक कंप्लीट रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों में हमने फर्क को समझा कि एक अपनी दूरी पे ही जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है, और इसके अलावा वो सूरज के चक्कर भी लगाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में, जो कि इसके अंदर भी एक टॉपिक है। तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए ग्रेविटेशन की जो शुरुआत है वो न्यूटन के थ्रू हुई थी, और न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठ करके सोच रहा था, और अचानक एक सेब गिरा, तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया। कोई भी चीज़ जैसे है, जैसे ये फोन है, फोन को जैसे नीचे रखेंगे, अगर छोड़ेंगे कोई भी चीज़ तो क्या होगी, वो नीचे की तरफ आएगी। ये क्या होगी, ये कोई भी चीज़ अगर ऊपर से छोड़ते हैं तो क्या होता है, नीचे की तरफ आती है। इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। इसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशन कहा जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ जो ऊपर की तरफ जाती है, जैसे मतलब हमने कोई भी बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, और वो जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है, उसका एक नेचर है, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो चीज़ें नीचे आती है। पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड इट्सेल्फ, ये इसका रेंज है पृथ्वी का। और मैं आपको बताऊं कि इसका भी एक प्रॉपर रेंज है,
जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पृथ्वी होती है वो उस चीज को नीचे नहीं खींच पाती। अगर ये अर्थ है, राइट, अर्थ है ये, और अर्थ से 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऊपर तक ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, उसके ऊपर नहीं काम करता है, ऐसे ही नीचे भी होता है, राइट। तो पृथ्वी क्या करती है, अपनी तरफ चीजों को खींचती है, लेकिन जो सेटेलाइट लॉन्च होते हैं वो कहीं ना कहीं वो इस ये जो एरिया है ना उसको पार कर जाते हैं, तो वो हवा में लटके रहते हैं। इसको हम कहते हैं वो ऑर्बिट की जो एरिया होता है वो पार कर लेते हैं 12 किलोमीटर का, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को कि ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स डाउन रिलीज फ्रॉम देयर हाइट्स एंड वी कैन स्टैंड, हम खड़े हो सकते हैं, एंड मून गोज अराउंड द अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है सारी चीजें। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है उसकी क्या क्वालिटीज हैं। तो देखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक डिस्टेंस के ऊपर ही काम करती है और डजेंट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। अगर ग्रेविटेशन फोर्स काम कम नहीं करेगा जब उन दोनों के बीच में कोई तीसरी कोई चीज़ बीच में नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज एक्शन रिएक्शन पेयर्स में होती हैं, और ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो दो छोटी और जो बड़ी रहती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और इसका इंपॉर्टेंस लॉ भी है, ग्रेविटेशन का नियम भी है कुछ, कि फोर्स दैट ब्रिंग्स अस टू द अर्थ, राइट, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और इसके अलावा द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ये सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन के। इसी तरीके से मून और सन का जो रोटेशन है वो सारे के सारे किसके थ्रू हो रही है, ये हो रही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू हो रही है। मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ग्रेविटेशन, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वर्टिकली आ रहा है तो वहां पे हो रही है ग्रेविटी के कारण, इसी तरीके से चीजें काम करती हैं। और फाइनली जो वेलोसिटी हो जाती है वो 0 हो जाती है जब वो नीचे आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन आता है, 1 kg जो मास होता है ना उसको हम कहते हैं 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, राइट। अब तो आपने समझ लिया ग्रेविटेशन क्या होता है, आपने जान लिया कि ये जो शेप ऑफ अर्थ है वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है। कुछ चीजें जो हैं हम देखिए, एक चीज होती है जिसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ। जब हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं ना तो एक होता है कैपिटल जी और एक होता है स्मॉल जी, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्मॉल जी है ना वो किस चीज के बारे में बताती है, वो बताती है पोल ऑफ द अर्थ। किसको बताती है, पोल ऑफ अर्थ के बारे में बताती है। लेकिन जो कैपिटल जी है ये वैल्यू ऑफ क्वांटिटी होती है जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूज करी जाती है, और ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इट्स ए डिपेंड ऑफ मास एंड रेडियस। इस पे डिपेंड करता है, मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस आता है, लोग पूछ भी देते हैं। और जैसे कि वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर वो सेंटर पे होता है आर वो कब होगा, उसका जब रेडियस होगा ना वो 0 हो जाएगा। मतलब अगर कोई भी चीज़ बैलेंस कब होती है, अगर इस चीज़ को मुझे बैलेंस करना है तो इसका जो सेंटर फोर्स है ना यहाँ पे 0 होना चाहिए। अगर 0 होती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। देखिए इसका जो मिड पाथ है अगर हम इस पे रखेंगे तो, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको बैलेंस करनी है कहीं भी चीज़ अगर उसको बैलेंस करनी है ताकि वो गिरे ना, तो उसका जो सेंटर पार्ट है ना वहाँ पे एक ऐसा फोर्स होगा जहाँ पे वो 0 हो, राइट। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, और क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के क्या आंसर्स होंगे, आप उनके आंसर्स को इजीली दे सकते हैं क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है, और कुछ जो होमवर्क दिए हैं वो आपको करना है ताकि और भी चीज़ें समझ आएंगी आपको। जितना देखिए जनरल साइंस इतना है, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, मैंने केवल आपको एक ओवरव्यू बता दिया, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, राइट। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटीज हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आप क्वेश्चंस के लेवल को समझ पाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का मूवमेंट है सन के अराउंड उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड में जो अर्थ का मूवमेंट है, अर्थ का जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। और रोटेशन मतलब रोटेट होना, अपनी ही जगह पे घूमना, उसको हम कहते हैं रोटेशन।
तो दोनों में आपको समझना पड़ेगा कि क्या डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, कब डायरेक्ट जो रेज होती है वो कब फॉल करती है, तो आप कह सकते हो कि 21 मार्च को। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 21 मार्च को डायरेक्ट रेज सन पे फॉल करती है ऑन द इक्वेटर। और साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, किसके कारण होती है, किसके कारण साइकिल ये चलती रहती है, ये होती है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण होती है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व होती है ना, तभी तो दिन और रात होता है। मैंने आपको बताया था अर्थ, जैसे मान लीजिए ये है, तो इधर अगर सूरज है तो यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में उजाला होगा, लेकिन इस वाले पार्ट में क्या होगा, अंधेरा होगा इस तरफ जो लोग होंगे। लेकिन जब वो घूम करके 24 घंटे में यहाँ पे आ जाएगा तो इधर उजाला हो जाएगा, फिर इधर अंधेरा होगा। तो ये होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट इज, एंगल मैंने आपको बताया था 66.5 डिग्री मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इसके आंसर्स को इजीली दे पाओगे। देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है ना, उस कॉन्सेप्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ टू द सन इज, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इलिप्टिकल। इसको हम कहते हैं, मोमेंट जो होता है ना सन के तरफ उसको हम कहते हैं इलिप्टिकल कहते हैं। नाम अलग अलग, आपको ये नाम ही तो याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, बिना सोचे 366 इसका करेक्ट आंसर है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू अ डे एंड नाइट, सर्कल है ना जो डे और नाइट को डिसाइड करता है, वो क्या चीज होती है, वो सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन उसको हम कहते हैं। इसी तरीके से द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन, क्या होता है एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है वो, और कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, द स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटमन अब द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑन, कब होता है, ये होता है 21 मार्च, कब होता है 21 मार्च को ये चीज होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th के बारे में बात करते हैं। टू ऑब्जेक्ट्स डिफरेंस मासेस, दो ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली सरफेस मून नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, क्या होगा, हैव सेम वेलोसिटी एट एनी डिस्टेंस, यस जब मून में होंगे तो उनकी वेलोसिटी सेम होगी, एनी इंस्टेंट कभी भी वेलोसिटी सेम होगी उनकी, दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंस मासेस के होंगे तो भी। इसी तरीके से द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो वैल्यू होती है वो लिस्ट होती है एक्वेटर पे, इक्वेटर जो होता है उस पर कम होती है, लिस्ट मतलब होता है कम, एक्सेलरेशन के कारण जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, कोई भी चीज़ अगर घूमती नहीं है तो उस पर ग्रेविटी कम काम करती है, राइट। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, किसके और किसके बीच में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चलता है, तो आपको समझना पड़ेगा दो बॉडीज हैविंग सेम मास, दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मास सेम है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स काम करती हैं, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया है। जो चीज भी अगर आपको समझ नहीं आती ना, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताएं, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़े हमें नोट्स भी चाहिए, तो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, डरने की कोई बात नहीं है, आपको जुड़े रहना है, पढ़ना है। मेरे को पता है कि पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, बट जब तक आप अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल ही नहीं है चीज़ों को समझना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट्स मासेस सेपरेटेड बाय द यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस से जो सेपरेट होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, उनको हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं।
द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर, आर मतलब कैपिटल आर, रेडियस अर्थ इज, वो क्या है, वो आर क्या हुआ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटर, सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है, ये भी समझाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, जो सेंटर पे होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेडियस वो जीरो होगा, सिंपल सी बात है, तो इसका हम जीरो रख देंगे इसके आंसर्स को। अब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाएगा एंड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इज अपोजिट, अपोजिट ग्रेविटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द सेम डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द बिकम जीरो ऑफ द हाइएस्ट पॉइंट एंड इंक्रीज द राइज। देखिए जब आप यहां से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं ऊपर की तरफ में, तो यहां से आपकी जो पावर है ना ज्यादा लगेगी, जाते 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 जहां पे जीरो होगी वहीं पे ऑब्जेक्ट वहीं से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, वहीं से क्या होगा ये नीचे आना स्टार्ट होगा, मतलब कि अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि इट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इसके अपोजिट में ही तो आ रहा है, इधर आप फेंक रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो आ रहा है, तो इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, नेम ऑफ द फंडामेंटल्स फोर्स विच होल्ड्स द प्लैनेट्स एंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन, क्या है इसका, हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में चर्चा करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकती है चीज़ें यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कैपिटल जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देखिए कैपिटल जी के बारे में मैंने आपको बताया कि कैपिटल जी एक्चुअल में क्या है, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी इज नथिंग, इट्स अ इंडिपेंडेंट मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, इज इंडिपेंडेंट मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज अ कैपिटल जी, और जो स्मॉल जी है वो मैंने आपको बताया था कि वो पोल होता है, वो क्या होता है, वो पोल होता है, राइट। तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी मैक्सिमम एट, मैक्सिमम कहाँ होगा, जो जी की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में जो पोल होता है ना अर्थ का वहां पे होगी, तो ये होगा पोल ऑफ द अर्थ। सो आई होप कि ये जो चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आपने देखा होगा और कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, जो अर्थ का सेप है वो किस तरीके का है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड में आपने समझा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, तो आगे आने वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें कोल के बारे में बात होगी, पेट्रोलियम के बारे में बात होगी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होगी, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अब आपको लगता है कि आपको बैच ज्वाइन करना है तो बैच ज्वाइन करने की प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है ज्वाइन और जो भी बैच चल रहा होता है उस बैच का नाम, जैसे गदर बैच चल रहा है तो आपने लिख दिया ज्वाइन गदर बैच, राइट, और गदर बैच लिखने के साथ ही जो भी आपका नाम है आपने अपना नाम लिखा, अपने सिटी का नाम लिखा और जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ 8770077431 ये देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ में नंबर्स, तो उस नंबर पे आपको मैसेज सेंड करना है अपना नाम, ज्वाइन गदर और जिस भी सिटी से हैं उस सिटी का नाम, तो हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, जो भी नोट्स की फैसिलिटीज़ है, जो भी क्वेश्चंस हैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।